तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं सामान्य ज्ञान के बारे में। इसके हम लोग इतिहास टॉपिक लिए हुए हैं। इतिहास में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी प्राचीन और मध्यकाल में जो आपके युद्ध हुए हैं प्रमुख, उनके बारे में। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध, आधुनिक भारत में जो प्रमुख युद्ध हुए हैं उनके बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, ये युद्ध का नाम है आपका, ये जिस सन में हुए वो सन है, पक्ष और विपक्ष है जिन जिन के बीच हुए हैं वो हैं, और परिणाम जो मतलब अंतिम रूप से विजय हुए हैं उनके। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग खेड़ा का युद्ध। कौन सा? खेड़ा का युद्ध, ये कब हुआ? 1707 में। खेड़ा का युद्ध आपका 1707 में हुआ, किसके किसके बीच हुआ? मराठा छत्रपति साहू और ताराबाई के बीच। इसमें विजय कौन हुआ? साहू। तो खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ, मराठा छत्रपति साहू और ताराबाई के बीच, साहू इसमें विजयी हुआ। फिर है आपका सखर खरदा का युद्ध। सखर खरदा का युद्ध आपका 1724 में हुआ, किस किस के बीच हुआ था? निजामुल मुल्क और मुबारिज खां के बीच। इसमें निजाम अंतिम रूप से विजयी हुआ। भोपाल का युद्ध 1737 में। भोपाल का युद्ध कब हुआ? 1737 में, किस किस के बीच? बाजीराव प्रथम और मुगल के बीच। किसके? बाजीराव प्रथम और मुगलों के बीच। ठीक है, इसमें विजय कौन हुआ? बाजीराव प्रथम विजयी हुआ। करनाल का युद्ध, ये आपका हुआ 1739 में। करनाल का युद्ध 1739, इसमें कौन कौन किस किस के बीच हुआ? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। इसमें आपका नादिर शाह विजयी हुआ। गिरिया का युद्ध 1740 में। गिरिया का युद्ध 1740 में किस किस के बीच? सरफराज खान और अली वर्दी खान के बीच। इसमें अंतिम रूप से आपका विजय हुआ था अली वर्दी खान। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1744 से 1748 तक चला, प्रथम कर्नाटक का युद्ध, याद रखना 1744 से 1748 तक चला, किस किस के बीच? फ्रांसीसी डुप्ले और अंग्रेज़ों के बीच, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच। इसमें अंतिम रूप से विजय हुए आपके फ्रांसीसी। फिर आते हैं हम लोग द्वितीय कर्नाटक युद्ध पर। द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपका हुआ 1750 से 1754 तक। फ्रांसीसी डुप्ले और अंग्रेज़ों की तरफ से क्लाइविस का नेतृत्व कर रहा था। इसमें आपके अंग्रेज विजय हुए। पहले वाले में आपको याद रखना है कौन? फ्रांसीसी जीते थे, और दूसरा जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ इसमें अंग्रेज अंतिम रूप से विजयी हुए। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 से 1763 तक। फ्रांसीसियों की तरफ से लिली नेतृत्व कर रहा था, और अंग्रेज इसमें अंतिम रूप से विजयी हुए। ठीक है, तीनों युद्ध याद रखना है आपको। प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसमें फ्रांसीसी जीते थे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इसमें अंग्रेज, और तृतीय कर्नाटक युद्ध, अंग्रेज। ठीक है, फिर आता है हमारा पिलासी का युद्ध। पिलासी का युद्ध में 1757 में हुआ। पिलासी का युद्ध 1757 में हुआ। अंग्रेज क्लाइव नेतृत्व कर रहा था अंग्रेज़ों की तरफ से, और सिराजुद्दौला, अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इसमें आपके अंग्रेज विजयी हुए। फिर आपका बेदारा का युद्ध 1759 में, अंग्रेज़ों और डचों के बीच हुआ थे, अंग्रेज इसमें अंतिम रूप से विजयी हुए। वांडीवास का युद्ध, ये आपका 1760 में हुआ। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व करता था आयरकूट, और फ्रांसीसियों की तरफ से लेली लेली। ठीक है, इसमें अंग्रेज आपके अंतिम रूप से विजयी हुए। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, किस किस के बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें आपका अब्दाली
विजयी रहा। क्या याद रखना है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1761 में हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, लेकिन इसमें अब्दाली अंतिम रूप से विजयी रहा। बक्सर का युद्ध 1764 में, अंग्रेजों की तरफ से मोनरो इसका नेतृत्व करता था और मीर कासिम दूसरी तरफ, मीर कासिम शुजा उद्दौला शाह आलम की संयुक्त सेना थी, इसमें आपके अंग्रेज अंतिम रूप से विजयी हुए। ठीक है, फिर है आपका पिथम मैसूर युद्ध। पिथम मैसूर युद्ध कब हुआ, 1766 से 69 तक, 1766 से 69 तक अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ था, इसमें आपका हैदर अली विजयी हुआ। पिथम मैसूर युद्ध में आपका हैदर अली विजयी हुआ। ठीक, रोहेला युद्ध ये 1774 में हुआ, हेस्टिंग्स और हाफिज खां के बीच, ठीक है, इसमें भी आपके अंग्रेज विजयी हुए। सिंधखेड़ा का युद्ध 1775 में, कब 1775 में, किस किस के बीच, निजाम व मराठे के बीच, इसमें आपके मराठे विजयी हुए। पिथम आंग्ल मराठा युद्ध, पिथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक, 1775 से 82 तक अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करता था वारेन हेस्टिंग्स और मराठे नाना फडणवीस थे इसके नेतृत्व करता, ये अनिर्णित रहा। ठीक है, इसका निर्णय नहीं हो पाया कि कौन विजयी हुआ। फिर है आपका द्वितीय मैसूर युद्ध, ये 1780 से 84 तक हेस्टिंग्स और हैदर एवं टीपू सुल्तान, एक तरफ था हेस्टिंग्स, कुछ समय तक हैदर रहा, उसकी मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान, अनिर्णित रहा है। ठीक है, तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक कर्न वालिस एवं टीपू सुल्तान, इसमें आपके अंग्रेज विजयी हुए। चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में लॉर्ड बेलेजली और टीपू सुल्तान के बीच हुआ, इसमें आपके अंग्रेज विजयी हुए। फिर आता है आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1806 तक लॉर्ड बेलेजली और मराठों के बीच हुआ, इसमें आपके अंग्रेज विजयी हुए। नेपाल युद्ध 1814 से 1816 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स एवं गोरखों के बीच हुआ था, इसमें भी आपके अंग्रेज विजयी हुए। कौन, अंग्रेज विजयी हुए। फिर होता है अपना तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1717 से 1719 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स और मराठों के बीच, इसमें आपके अंग्रेज विजयी हुए। पिथम बर्मा युद्ध 1824 से 1826 तक अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुआ। ठीक है, जिसे अब म्यांमार कहते हैं, अंग्रेज इसमें विजयी हुए। ठीक है, पिथम अफगान युद्ध 1839 से 1842 ऑकलैंड और अफगानों के बीच, इसमें भी आपके अंग्रेज विजयी हुए। पिथम सिख युद्ध 1845 से 1846 अंग्रेज हार्डिंग नेतृत्व करता था अंग्रेजों की तरफ से और सिख, इसमें भी आपके अंग्रेज विजयी हुए। द्वितीय सिख युद्ध 1848 से 1849 अंग्रेजों की तरफ से डलहौजी लड़ रहा था और सिखों के बीच, इसमें भी आपके अंग्रेज विजयी हुए। द्वितीय बर्मा युद्ध 1852 में अंग्रेजों की तरफ से डलहौजी था और दूसरी तरफ बर्मा लड़ रहा। ठीक, तो इसमें अंग्रेज आपके विजयी हुए। द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 1880 तक अंग्रेजों की तरफ से लिट्टन था और अफगानों के बीच था, इसमें आपके अंग्रेज विजयी हुए। तृतीय बर्मा युद्ध 1885 में अंग्रेजों की तरफ से डबरिन और बर्मा अंग्रेज इसमें विजयी हुए। तृतीय अफगान युद्ध 1919 में
अंग्रेजों की तरफ से चेम्सफोर्ड एवं अफगानों के बीच, इसमें भी आपके अंग्रेज विजय हुए। ठीक है, फिर है आपका भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ। भारत चीन आपको याद ही होगा 1962 में हुआ, चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, चीन में विजय हुआ था। भारत पाक युद्ध, जैसे ही 1962 में भारत की हार हुई और चीन विजय हुआ, तो पाकिस्तान ने सोचा कि अब तो भारत बहुत कमज़ोर पड़ गया है, इसलिए उसके 62 के बाद 65 में पाक ने हमला कर दिया भारत पर। तो पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, लेकिन इसमें पाकिस्तान की हार हुई, इंडिया की जीत हुई, भारत विजयी हुआ। फिर दूसरा भारत पाक युद्ध हुआ 1971 में। युद्ध का कारण था क्या था? युद्ध का कारण बांग्लादेश, बांग्लादेश की स्वतंत्रता थी। ठीक, भारत इसमें विजयी हुआ। याद है आपको कि पहले दो भागों में पाकिस्तान था, बांग्लादेश के रूप में और एक पाकिस्तान, तो बांग्लादेश आज़ाद हो गया। ठीक है, उस पर पहले पाकिस्तान का कब्जा था। 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश एक नया देश बना। ठीक, तो ये थी आपकी आधुनिक भारत की जो युद्ध हुए उनके बारे में। थोड़ा यहाँ यहीं जान लेते हैं हम लोग इस संधि जो हुई है युद्ध के बाद, आंग्ल मराठा, आंग्ल मराठा संधि अंग्रेजों तथा मराठों के बीच हुई महत्वपूर्ण संधियों के बाद। ये आपकी संधियाँ हैं, वर्ष हो गए और संधि से संबंधित पक्ष। सूरत की संधि याद रखना, ये बहुत बार पूछ लेते हैं। सूरत की संधि आपकी किन किन के बीच कब हुई? 1775 में सूरत की संधि 1775 में हुई रघुनाथ राव तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। पुरंदर की संधि 1776 में पेशवा माधवराव नारायण राव तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। बड़गांव की संधि 1779 में पेशवा माधवराव नारायण राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। सालबाई की संधि 1782 वाजीराव द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। बेसिन की संधि 1802 में पेशवा माधवराव नारायण राव नारायण ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। देवगांव की संधि 1803 में भोंसले तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। सूरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में सिंधिया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। राजपुर घाट की संधि 1804 में होलकर तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। नागपुर की संधि 1816 में नागपुर के अप्पा साहेब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। फिर है आपकी ग्वालियर की संधि 1817 में सिंधिया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। पूना की संधि 1817 में पेशवा तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। मंदसौर की संधि 1818 में होलकर तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे भारत में यूरोपियन का आगमन। ठीक है, जो भारत में यूरोपियन आए उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है,